करके सुना दूँ। आज शुरू करते हैं, चलिए दोस्तों, इतिहास आधुनिक भारत के महामैराथन के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? तो आपके पास 4 सेकंड है दोस्तों, सोचिए। तो यहाँ पे आंसर है दोस्तों आपका वांडीवोस। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो आपको 4 सेकंड मिलते हैं दोस्तों, गेस करिए। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो देखिए दोस्तों, आपको 4 सेकंड मिलते हैं, सोचिए। सूरत। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, नेक्स्ट चलते हैं हम। इनमें से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? तो मिलते हैं दोस्तों आपको 4 सेकंड, सोचिए। 1930 दोस्तों, 26 जनवरी 1930 को दोस्तों INC ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मना लिया था। इसी दिवस को जागरूक रखने के लिए, जीवित रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं आगे। बंगाल में राजस्व का इस्तेमाल, इस्तेमारी बंदोबस्त जिसे स्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है, इसे किसने लागू किया था? कौन सा वॉइस राय था दोस्तों, गेस कीजिए। कार्नवालिस दोस्तों 1793 की बात है, इन्होंने बंगाल में स्थाई बंदोबस्त लागू किया था। ओके दोस्तों, किसानों से संबंधित है ये। यह किसने कहा था, इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है? सोचिए दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू, यह कथन है दोस्तों हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो सोचिए दोस्तों, गेस कीजिए किसने किया था। J.A. Hickes। ओके दोस्तों, इसका राइट आंसर है J.A. Hickes। नेक्स्ट चलते हैं, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? बताइए दोस्तों, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? इसका आंसर है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। ओके, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? डेजर्ट फॉक्स किससे संबंधित है दोस्तों, सोचिए। जनरल रोमेल जो थे दोस्तों, इन्हें डेजर्ट फॉक्स कहा जाता था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संधियों को काल क्रमानुसार रखिए। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि कौन सी संधि पहले हुई और कौन सी संधि बाद में हुई, सोचिए दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन है 4-3-2-1। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, सबसे पहले सालवई की संधि हुई, आफ्टर दैट श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, फिर बसीन की संधि हुई, फिर अमृतसर की संधि हुई। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों आपको, श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी वह आंग्ल मैसूर वार जो था टीपू सुल्तान उनके समय की बात है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? बताइए दोस्तों, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था?
मलिक काफूर। मलिक काफूर जो है दोस्तों, इसे हिजड़ा का भी हिजड़ा भी कहा जाता था दोस्तों, इसे गुजरात से खरीदा गया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? ये तो बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग में से काफ़ी लोग इसका सही जवाब देंगे। बहुत सही दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है दोस्तों, इसी के आधार पे ही 1935 का जो अधिनियम है उसमें इसको सुधारते हुए उसको लाया गया था। ओके दोस्तों, और जो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, बताइए? एओ ह्यूम को इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। सन 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, बताइए दोस्तों? 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट जो है दोस्तों, यही INC की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। सभी ने अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी, बताइए दोस्तों? सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, थौरा जो है इन्हीं से ही प्रेरित होकर महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा मिली थी। तो ओके दोस्तों, आज का सेशन बस इतना ही था, बाकी के क्वेश्चन हम डेली 15-15 करके करते जाएंगे। ओके दोस्तों, कम पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे। ओके बाय दोस्तों।